हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर राहुल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल RMI स्मार्ट टेक्निकल बोर्ड। क्या होगा अगर आपके फ़ोन का SMS डिलीट हो जाए? आपके पास कोई इम्पोर्टेंट SMS है, अगर वहां डिलीट हो जाएगा तो उसका बैकअप कैसे होगा? वहां आएगा कैसे आपके फ़ोन में? कोई इमरजेंसी OTP है, आप उसको आते ही डिलीट कर दे रहे हैं, फिर उसको कैसे लाएंगे वापस आप? उसके लिए यह वीडियो है। अगर आपके फ़ोन का मैसेज डिलीट हो जाता है तो उसको लाना कैसे है, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सबसे अच्छा ट्रिक और सेफ ट्रिक, जिससे आप अपने WhatsApp के सभी मैसेज को रिटर्न ला सकते हैं। वो कैसे लाना है ये मैं लेकर चलता हूँ फटाफट से आपको ऐप्स के पास। कोई ऐप ही है, या तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एक सिंपल ट्रिक, क्योंकि सभी लोग आज स्मार्टफोन वाले ट्रू कॉलर यूज़ करते हैं, तो आपको अपना ट्रू कॉलर ओपन करना है। अगर आपके फ़ोन में वहाँ से कोई मैसेज डिलीट हो गया है तो आपको अपने ट्रू कॉलर पर सभी मैसेजेस मिल जाएंगे। यहाँ साइड में मैसेजेस का ऑप्शन होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इसमें जाएंगे तो जो भी आपका मैसेज डिलीट वहाँ से रहेगा, सारा मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ से डिलीट होता है मगर यहाँ से नहीं होता। सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा, चेक कीजिएगा। अगर आपके पास ट्रू कॉलर नहीं है तो उनके लिए मैं लेकर चलता हूँ आगे और बताता हूँ किस तरह से वो अपने मैसेज को डिलीट OTP को किस तरह से अपने फ़ोन में बैकअप कर सकते हैं। तो बैक चलते हैं और दिखाते हैं आपको। आपको सबसे पहले अपना प्ले स्टोर ओपन करना होगा कुछ इस तरह से, और उस पर टाइप करना होगा, यहाँ पर आपको टाइप करना है MASSAGE by Google। तो यहाँ पे क्लिक करना है ऊपर, और मेरे फ़ोन में वहाँ ऐप ऑलरेडी है जहाँ से कि मैं हर मैसेज को देखता हूँ। अगर आप मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ मगर उस ऐप पे मेरे पड़ा रहता है मैसेज, तो यहाँ से मैं अपडेट का ऑप्शन है, मैं अपडेट कर देता हूँ। काफ़ी दिन से पड़ा है, 36 MB का मैं वो है और 4.9 MB CPU है इसका। और यहाँ ऐप सबसे अच्छा है और सबसे सिक्योर है, सेफ्टी है। आप इसको एक बार यूज़ करेंगे तो उसके बाद में आपको जो भी अदर ऐप आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ सभी ऐप उस लायक नहीं है जैसा वो ऐप है। वो गूगल ऐप है और वो जो है कि फ़ोन में नहीं रहता, उसको आपको अलाउ करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जाके, जहाँ से मैं कर रहा हूँ आपको यहाँ से कर लेना है इसको। और करने के बाद में मैं बैक चल के दिखा देता हूँ कि जो मेरे उस फ़ोन में उस जगह पे कोई मैसेज नहीं है, जिस तरह मैंने ट्रू कॉलर में दिखाया आपको कि मेरे फ़ोन में वहाँ पर देखिए 2-4 मैसेज ही हैं, लेकिन ट्रू कॉलर में सारे मैसेज भरे पड़े हैं। ट्रू कॉलर भी रखता है, उसके साथ साथ अगर आपके पास ट्रू कॉलर नहीं है तो आप यहाँ मैसेज तुरंत, मतलब यहाँ अपडेट है, बैकअप है। आपका मैसेज वैसेज अगर डिलीट हो जाता है फ़ोन से तो यहाँ बैकअप करता है, उसको रिटर्न लाता है। तो कैसे लाता है या जैसे अपडेट होता है मैं लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। कंटिन्यू बने रहेगा, ओपन का ऑप्शन दे दिया, मैं ओपन करता हूं और देख लीजिए इसमें कि मैंने वहां से मैसेज तो डिलीट किया मगर यहां पे सारा मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। बैक चलता हूं और यहीं ऐप में खोल के दिखाता हूं। यहां पे कुछ रीज़न कुछ वो है इसका भी, फ़ोन में मेरे ढेर सारे ऐप हैं जो कि मैसेज को हमेशा रखते हैं सेफ्टी और सिक्योर। तो यहाँ कुछ इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद में अभी मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से। अब देखिए यहाँ बोलेगा कि मैं मैसेज ओपन हूँ, करंट मैसेज और मैसेजेस और मैसेंजर ट्रू कॉलर, मतलब यहाँ सभी जगहों पे आपको मैसेज आपका मिल जाएगा। मैं इसको ओपन करता हूँ, ओके करता हूँ जैसे। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे मेरे मैसेज पड़े हुए हैं, देख लीजिए। मैंने वहाँ ये सब मैसेज क्या आप वहाँ पर देखे हैं मेरे मैसेज वाली फ़ाइल में? बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर आपको सारे मैसेज मिल जाएंगे इस तरह से लेता है। और इसको मैं बैक करता हूँ, यहाँ से आपको जब इस मैसेज पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ये कि जिस तरह से वो क्लिक किया मैंने और तुरंत यहाँ ऑप्शन चूज के लिए बोल रहा था, मैंने इसको क्लिक किया तो अभी तो डायरेक्टली ओपन होगा। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन कि आपको किसको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया है, आपको इसमें से एक चूज करना है किसको आपको
एक्सेप्ट करना है, किसको नहीं, इसको मैसेंजर को किसको आप अलाउ करते हैं, किसमें आप अपने मैसेज को बैकअप करना चाहते हैं, यह चीज़ें पूछता है। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और सेट एज डिफ़ॉल्ट पे आपको क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। जैसे ही करेंगे या फिर बैक का ऑप्शन इसी पर क्लिक कर देंगे आप दोबारा तो भी ओपन हो जाएगा, नहीं बैक करेंगे तो भी ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। आपको भी ऐसे ही सेम करना है। तो अगर आपको यह नहीं मिलेगा तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको लेकर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।